चैनल आई विद सिंपल फैमिली इन एब्रॉड। होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। गाइस, आज मैं एकदम सुबह सुबह उठ गई और मेरा उठने का रीजन है मुझे चाय पीना है। यस, मुझे चाय पीना है क्योंकि दो दिन से मुझे उठने में थोड़ा सा लेट क्या हो रहा है, कम में इतना ज़्यादा हड़बड़ी हो रहा है कि मुझे चाय ही पीने को नहीं मिल रहा है। आज मैंने सोचा आज तो मैं चाय पीऊँगी ही पीऊँगी और वो भी एकदम सुकून से। सुबह का चाय एक्चुअली डिसाइड करता है हमारा दिन कैसा जाएगा। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। अरे अरे अरे, बट्टा उठ गया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये मैं जब उठती हूँ उसको तभी उठना है। आज थोड़ा सा लेट हुई लेकिन उसको पता चल गया मैं उठ के आई हूँ तो उसको उठना ही है। ओके, डू ब्रश। ओके, लेट्स गो। रात को ब्रॉड बीन्स मैंने भिगा के रखा था, वही बनाया जाए अभी। प्याज मेरा भून गया है, अब मैं टमाटो पेस्ट डाल दूंगी। अब मैं इसमें जीरा, धनिया, गरम मसाला, चिली पाउडर सभी मसाला डाल दूंगी। कुकर बंद कर दूंगी। ब्रेकफास्ट बन चुका है, बच्चों ने कर भी लिया है और उनका भी क्लास भी शुरू हो जाएगा। हस्बैंड ने नहीं किया है, वो भी कर लेंगे अभी। और ये पुट्टू जो है, पुट्टू बनाना बहुत इजी है, राइस पाउडर का बनता है। मैंने राइस पाउडर घर पे ही बना लिया है। पहले तो मार्केट से मैं मंगाती थी लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बनता है जितना घर से बना हुआ आटा का बनता है। फिर मैंने थोड़ा सा कोकोनट भी खींच लिया है। और ये पुट्टू बनाने का बर्तन है, इस पर हम, ये छोटा सा कलछी है, इसमें पानी गर्म करने देते हैं। फिर इसमें लेयर लेयर में हम राइस, फिर कोकोनट पाउडर, फिर राइस पाउडर, ऐसा लेयर लेयर में डाल देते हैं और इसमें फिट कर देते हैं। फिर स्टीम से वो बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर ये अवेलेबल नहीं भी है तो भी बनाना बहुत इजी है, लेकिन आपको चाहिए होगा डिस्पोजेबल पेपर ग्लास, उससे कुकर में बहुत अच्छा बनता है। मेरे पास आज नहीं है पेपर ग्लास, नहीं तो मैं दिखा देती। प्लास्टिक से नहीं बनता है, तो मैं कभी, मैं फिर होगा तो मैं वो ज़रूर दिखाऊँगी पेपर से कैसे बनता है। आज सुबह से ही मेरा ब्लैंकेट धोने का अभियान चल रहा है। तीन धो चुकी हूँ ऑलरेडी और दो निकाली हूँ धोने के लिए। ये तो एक्चुअली ब्लैंकेट नहीं है, ये ब्लैंकेट का कवर है। लास्ट ईयर ठंडियों में आसाम गए थे तो थोड़ा सा धूप लेने के लिए घर के बाहर बैठते हैं और हमारे घर के बाहर से ही रोड है। और रोड में सुबह से ही शुरू हो जाता है एक के बाद एक फेरे वाला, और उनको देख के मुझे हर एक को बुलाना है। एक को भी मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे हर एक को बुलाना है और उनका कपड़ा देखना है। वो छोटे से साइकिल में ही वो लोग कितना सारा कपड़ा लद के ले जाते हैं, रंग बिरंगा कपड़ा, देख के ही मज़ा आ जाता है। और हम लोग यहाँ रह के, यहाँ एक्चुअली क्या है, उतना ज़्यादा ब्राइट कलर को देखने को नहीं मिलता है, ब्लैक और वाइट शेड में या फिर प्राइमरी कलर्स है भी तो बहुत लाइट शेड में। तो हम इंडिया जाते हैं तो रंग बिरंगा कलर देखें
कपड़े देखने को बहुत मजा आता है और ये भी लूं वो भी लूं ऐसा हो जाता है। क्लास में कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है, मुझे चेहरा देख के वैसे ये डोलिया था और इतना हमें कमाई बोले भी बहुत और बहुत अच्छा है। जगह पैसा भी नहीं है, ये शायद 300 ऐसा कुछ है, जगह पैसा भी नहीं है। बच्चे लोग मेरे भतीजे से बात कर रहे हैं, मेरा बड़ा भाई का बेटा है। उससे ही पता चला उसका तबीयत उतना ठीक नहीं है, उसको सर्दी है। वैसे सीज़न भी तो चेंज हो रहा है, विंटर शुरू होने लगा है, अब सीजनल फ्लू अब होगा ही। मेरी छोटी बेटी बारहवीं, वो भी स्नीज कर रही थी, तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि आज मैं बेसन का हलवा बनाऊँगी। और बोलते हैं ना, ये बेसन का हलवा होम रेमेडी है, दादी माँ का नुस्खा बोलते हैं, नुस्खा है। तो आज मैंने सुबह ही सोचा था कि मैं बेसन का हलवा बनाऊंगी, और सर्दियों में हम ज़्यादातर बनाते ही हैं, तो अभी मैं वही बनाने के लिए आई हूँ। बेसन का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1/2 कप मैंने शुगर लिया है। शुगर टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा शुगर ले सकते हो। 1/2 कप मैंने घी लिया है, देसी घी। वाटर चाहिए होगा हम लोगों को, और थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ले लिया है। अगर आप सिर्फ सर्दी और खांसी के लिए बना रहे हो तो बेसन, शुगर और घी इनफ हैं। तवा गरम हो चुका है तो मैं अब इसमें घी डाल दूंगी। घी में आप बेसन डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से हिलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखेंगे। जब हमने बेसन डाला था उस टाइम ये थोड़ा टाइट था, लेकिन अब धीरे धीरे ये लूज होने लगा है, घी छोड़ने लग गया है, बहुत अच्छे इसका टेक्सचर बनने लगा है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका। अब देख सकते हैं कितना अच्छा इसका घी निकल रहा है। कंटिन्यू हम इसको हिलाते जाएंगे। पूरे प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम जो है उसको लो ही रखना होगा, नहीं तो ये जल जाएगा और हमको जैसा चाहिए वैसा ये नहीं बन पाएगा। अब इसका धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है और कितना अच्छा ये स्मूथ जैसा होने लगा है। अब हम इसमें शुगर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा गार्निशिंग के लिए भी रख लेंगे। मम्मा, डोंट पुट केसर विद ऑयल, इट स्मेल्स बैड एट ऑल। ओके, आई विल नॉट पुट। ओके, ये केसर है, मेरी बड़ी डॉटर को पसंद नहीं है, वो बोल रही है कि मम्मा मत डालो। ठीक है, मैं नहीं डालूंगी। बिना केसर के भी ये बहुत टेस्टी बनता है, किसी किसी को नहीं पसंद है, वैसे मुझे भी नहीं पसंद है केसर का स्मेल। मैं जल्दी से पानी डाल दूंगी। मेरा तवा जो है वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, इसलिए मैंने अब बड़ा तवा निकाल लिया है। बेसन का हलवा एकदम परफेक्ट बन चुका है, अब देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब गैस को मैं बंद कर दूंगी। ये बहुत सुंदर सा ये हलवा बन गया है। मम्मा, आई कैन मेक वन। वो या बेसन का हलवा रेडी है,
मेरी बड़ी बेटी ने बोला कि केसर नहीं डालना है, तो मैंने नहीं डाला, बस गार्निशिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डाला है। तो अब जिसको सर्दी और खांसी है वो तो एज ए मेडिसिन खाएंगे, लेकिन घर के बाकी मेंबर को एडवांटेज मिल जाता है डेजर्ट खाने का। चलिए आप भी बनाइए सर्दियों में बेसन का हलवा, और उसको एज ए मेडिसिन भी यूज़ कीजिए, एज ए डेजर्ट भी यूज़ कीजिए। और आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए अभी और शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे संडे को मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक बाय बाय, कीप स्माइलिंग।